तो इसलिए पूरा स्टार्टर को चेंज करना पड़ रहा है। अगर आप लोग दोस्तों हमारे पास पल्सर 150 आया हुआ है, इसमें सेल्फ स्टार्ट, जिसे सेल्फ मार देंगे तो बहुत साउंड आता है। इसका जो प्रॉब्लम था साउंड का, उसे साउंड गियर का भी हो सकता है और स्टार्टर भी हो सकता है। गियर मैंने चेक किया, गियर कहीं से कुछ कटा हुआ नहीं है। इसका जो स्टार्टर है वो खराब हो चुका है, जिसको अब मोटर कोई बोलता है, कोई स्टार्टर बोलता है। अभी इसमें मैं खाली टेम्पर वाली जो होता है ओरिजिनल स्टार्टर लाके इसमें यूज किया हूँ, अभी चेंज कर दिया हूँ। और जो जो जूना स्टार्टर है मैं आपको वो भी लगा बताऊंगा कि इसमें कितना साउंड आ रहा है। अभी मैंने स्टार्टर निकाल लिया हूँ, अभी अभी स्टार्टर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टार्टर का जो खराब होता है उसका क्या क्या रीजन होता है। अब ये स्टार्टर मैंने ओपन करके निकाला हूँ मैं। अभी इसमें जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर अगर आप डुप्लीकेट डालोगे एक या दो बार चलता है, बाद में बैटरी भान पड़ना डाउन हो गया। और ये गाड़ी के अंदर ऐसे प्रॉब्लम, इसमें खाली साउंड आ रहा था, इसके लिए मैंने ये स्टार्टर चेंज करना पड़ा। और स्टार्टर इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि जो पीछे होता है इसका अंदर कुछ आता है पित्तल का, वो मिलता नहीं है, इसलिए मुझे पूरा चेंज करना पड़ा। अगर उसको बनाने जाएंगे तो पैसे उसमें ज़्यादा खर्चा आ जाता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, नया इसमें यूज किया हूँ। अभी इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो स्टार्टर होता है ये अंदर बाहर ऐसे होता है, हर गाड़ी का स्टार्टर थोड़ा बहुत अंदर बाहर होता है। अभी इसमें अंदर बाहर में इसमें जो होता है पिले, ये ऐसे करेंगे, ये देखिए ये इसमें पिले बहुत है, इसलिए इसका आवाज आ रहा था। और पल्सर में, कोई भी पल्सर में अगर साउंड आ रहा है, जैसे स्टार्टर इधर पीछे दो बोल्ट आता है, दोनों बोल्ट हल्का से कभी ओपन, जैसे हल्का से ढीला करके फिर सेल्फ मारना चाहिए, मानना चाहिए, देखना चाहिए हमारा गाड़ी का साउंड गया है कि नहीं गया स्टार्टर का। अगर साउंड चले गया तो हल्का से थोड़ा ढीला रहने देना चाहिए, क्योंकि मैंने पल्सर 220 का काम किया हूँ, उसमें साउंड थोड़ा से ज़्यादा, थोड़ा सा साउंड आ रहा था। मैंने दोनों जो बोल्ट होता हल्का से ढीला कर दिया तो साउंड चले गए। अभी इसमें साउंड ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने स्टार्टर को चेंज कर दिया हूँ। अगर कभी भी आपके साथ में ऐसे प्रॉब्लम हुआ, जैसे स्टार्टर चेंज करोगे उसके लिए क्या करना है, आपको जैसे ओरिजिनल डालना है, नहीं तो कोई कंपनी के लगा के डालना है। अगर आप लोकल डालोगे तो लोकल में क्या है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो मालूम पड़ता बैटरी डाउन हो गया। बैटरी मैंने नया डाल दिए और तभी भी सेल्फ मारोगे, सेल्फ चलेगा नहीं, लोड नहीं उठा पाए। तो इसलिए कभी भी आप अगर यूज करना है जैसे कंपनी के डालो तो अच्छा रहता है, लोकल डालोगे तो आपके ऊपर है, आपकी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, लोड नहीं उठा पाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे पास कॉल आता है, कमेंट आता है, बोलते हैं सर हमारा स्टार्टर तो बाहर चलता है और अंदर ला ले तो नहीं चलता है। अभी बाहर अगर आपको चेक करना है, चेक करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ वायर लगाना है बॉडी में, मतलब टेस्ट करना है, ये जो चीज होता है जिसे किसी के ऊपर से दबा के रखे रहना चाहिए ताकत से, फिर सेल्फ मार के देखना चाहिए कि लोड ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है। बाहर आप घुमाओगे तो फ्री घूमेगा, लोड दे दोगे उसके ऊपर फ्री, समझ लो जाम घूमता है। अगर समझ लो बाहर आप चेक कर लिए कोई भी गाड़ी के स्टार्टर, आप बाहर चेक कर लिए इसे, कोई भी चीज लोखन है या कोई भी चीज है, उसके ऊपर ताकत से दबा के रखे रहना चाहिए। और दबा के रखने के बाद फिर सेल मार के देखना चाहिए कि लोड ले रहा है नहीं, ऐसा आपको पता चल जाएगा, साउंड को भी पता चल जाएगा कि सेल्फ हमारा लोड ले रहा है नहीं ले रहा, उसका पता भी चल जाता है। इसी तरीका चेक करने का तरीका है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाने जा रहा हूँ पल्सर के ऊपर, आप वो देखिए शुरू से लास्ट तक, बीच में आप भगा देते कोई भी तो बाद में कमेंट करते हैं बोलता सर वो चीज दिखाई नहीं, तो नहीं आप तो पूरा शुरू से लास्ट तक वो वीडियो देखो और उसमें आपको पूरा डिटेल मैंने बता चुका हूँ। अभी नया स्टार्टर मैंने डाल दिया हूँ उसमें, वो नया निकाल के जूना लगा के फिर आपको दिखाऊंगा उसका साउंड कैसे आता है। नेक्स्ट वीडियो आने वाला आप देखिए।
पल्सर आया हुआ है, पल्सर में सेल्फ स्टार्ट साउंड बहुत आ रहा है। सेल्फ स्टार्ट मारता हूँ तो साउंड बहुत हद से ज्यादा आता है, जैसे कोई चीज टूट रहा है, इतना साउंड आ रहा था गाड़ी के अंदर। अभी मैंने क्या किया हूँ, लाके जो स्टार्टर है नया मैंने यूज किया हूँ, इसमें लगा चुका हूँ मैं। अभी मैं खाली टेम्पर वाली लगाया हूँ कि इसका इतना साउंड था, मैं बोला पहले स्टार्टर लगा के चेक करूँ। और उसे साउंड आपके जो क्लच होता है जिसको बोलते ऑन बे, तो उसका भी आवाज इसी तरीका आता है। अगर आपकी गाड़ी का सेल्फ जैसे साउंड आता है तो थोड़ा जो बोल्ट होता है, मैं भी थोड़ा इसको ओपन कर दिया, ओपन है सब गाड़ी गए, जिसको आप लोग मोटर बोलते हैं, कोई स्टार्टर बोलते हैं। अभी ये जो स्टार्टर है, कभी अगर साउंड आ रहा है तो थोड़ा से जो हल्का से इसका बोल्ट हल्का से लूज करके देखना चाहिए, अगर साउंड चले गया तो समझ लेना उसी तरीका रहने देना चाहिए। अभी मैं आपको पहले इसका जो अभी नया मैंने इसमें लगाया हूँ, देखो नया पूरा लगा हुआ है, ये देखिए नया पूरा है। तो अभी मैं आपको इसको पहले सेल्फ मार के दिखा दे रहा हूँ इसका साउंड कैसे है, फिर उसके बाद में मैं आपको जूना लगा के दिखाऊंगा उसका साउंड कैसे आ रहा था। अभी ये देख लीजिए नया, ये देखिए इसका साउंड इस तरीका आ रहा है, ये समझ लो एकदम स्मूथ आ रहा है, इसमें अभी साउंड नहीं आ रहा है। अब आपको मैं इसमें जो जूना होता है अभी, और ये स्टार्टर, जैसे स्टार्टर आपको नया डालना है तो इसके लिए पूरा एक क्लच कवर ओपन करना ही पड़ता है, तब जाके लगता है। अभी पूरा मैंने ओपन किया हूँ, अभी देखिए बोल्ट कहीं लगा हुआ नहीं है, टेम्पर वाली से लगा के रखा हूँ मैं दो बोल्ट पे। अभी इसको निकाल दे रहा हूँ मैं, ये देखिए क्लच कवर जो होता है मैंने ओपन कर दिया हूँ। अभी जो स्टार्टर होता है इधर बोल्ट लगा हुआ रहता है, ये बोल्ट के अंदर थोड़ा नट लगा है 10 नंबर का, ये नट ओपन करना पड़ता है। अभी ये नया स्टार्टर है, आपको अभी जूना लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि नहीं आपको भी समझ में नहीं आएगा कि सर ने वीडियो में क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे वापस ओपन ओपन करना पड़ता है आप लोग के लिए कि उसका साउंड कैसे है, उसका साउंड कैसे आ रहा था। तो अभी नया का मैंने आपका जो साउंड था गाड़ी के अंदर वो बता चुका हूँ कि इसमें साउंड जरा से भी नहीं आ रहा स्टार्टर का। अभी ये रख दे रहा हूँ मैं, अभी आपको जूना लगा के दिखा रहा हूँ उसका साउंड कैसे आता है। ये देख लीजिए जूना है, इसमें साउंड आ रहा है। इसमें स्टार्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम है मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, जो ये पीछे बाजू है इसमें प्ले है, प्ले की वजह से साउंड मार रहा है। इसमें कैसे है, इसका हमारे इधर इसका बूच नहीं मिलता है, ना ऊपर का कटोरी ना हमारे पास नहीं है, तो इसलिए पूरा स्टार्टर को चेंज करना पड़ रहा है। अगर आप लोग के पास रहेंगे तो आप इजी से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये पीछे वाला भाग इसका बूच आता है, इसके अंदर बूच के अंदर प्ले आया हुआ है, तो ऐसे से हिलता है तो इसमें साउंड आ रहा है। अभी आपको साउंड पहले सुना दे रहा हूँ मैं, आप फिर आपको यकीन होगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर ने ऐसे कुछ बताया कुछ समझ में कुछ आया ही नहीं। तो अभी मैं स्टार्टर लगा चुका हूँ, अभी इसको मैं इस टेम्पर वाइज लगा रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए अभी मैंने इसमें कनेक्शन नहीं लगाया हूँ, अभी खाली इसे आपको साउंड सुनाने जा रहा हूँ। ये देखिए अभी मैं स्टार्टर ऐसे टेम्पर अभी कवर लगा दे रहा हूँ, फिर आपको साउंड सुनाऊंगा अच्छी तरह से, आपको उसको साउंड मालूम पड़ जाएगा आपको। ये हमने कवर को वापस फिटिंग किया हूँ, दो बोल्ट पे लगा दिया हूँ, एक इधर एक नीचे बोल्ट लगा दिया। अब लगाने के बाद मैंने स्टार्टर का जो होता है नट, ये जो बड़ा वाला बोल्ट है 8 नंबर का, अभी ये ढीला रखा हूँ, टाइट नहीं किया हूँ। कभी भी अगर साउंड आ रहा है थोड़ा से नट ढीला, दोनों ये जो दोनों बोल्ट होता है थोड़ा हल्का से ढीला करके देख लेना चाहिए। अगर साउंड थोड़ा हल्का ढीला करने से साउंड आपका जा रहा है तो उसी तरीका रहेगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा।
अभी इसमें मैंने पूरा ढीला करके देख लिया कि इसमें साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी आपको स्टार्ट करके आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अब इसको थोड़ा और टाइट कर देता हूँ। अभी इसकी बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए मैंने अभी देखो दूसरा बैटरी मैंने इसमें छुपा के रखा हूँ। मैं खाली टेस्ट करके अभी इसका सेल का साउंड दिखा रहा हूँ मैं। अभी वापस दिखा रहा हूँ मैं, वापस रिपीट करा दिखा रहा हूँ आपको मैं। क्योंकि बैटरी पूरी डाउन हो चुकी है सेल को यूज करके, और गाड़ी बहुत दिन से पड़ी थी। अभी इसका साउंड देखिए, ऐसे साउंड आ रहा था बहुत जोर से। इसी तरीका इसका साउंड आ रहा था तो मैंने स्टार्टर को चेंज कर दिया और ये प्रॉब्लम जो उसका होता है साउंड का वो सॉल्व हो चुका है।